सो गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास अभी जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर्स 12 to 14 जो हम लोग का डेरिवेटिव्स वाला पार्ट को कवर करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग को जैसे लास्ट क्लास हमने बेसिक सीखा फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। तो आज एक तो क्विक रिविजन से स्टार्ट करते हैं। T माइनस का मतलब क्या है? पुट बेचा है, ध्यान से सुनना। T माइनस का मतलब क्या है? पुट बेचा है। तो अगर पुट का मतलब क्या होता है? राइट टू सेल। कॉल का मतलब होता है राइट टू बाय, पुट का मतलब होता है राइट टू सेल। तो बेचने का हक बेच दिया किसी सामने वाले को, अगर सामने वाला चाहे, बेचने का हक सामने वाले को बेच दिया, अगर सामने वाला चाहे तो मेरे को एक स्पेसिफाइड प्राइस में बेच सकता है, और अगर सामने वाला बेचना चाहते हैं तो मना नहीं कर सकते। क्यों मना नहीं कर सकते? क्योंकि हम तो प्रीमियम खाए हैं ना, हम तो उस चीज का प्रीमियम खाए हैं। तो बेसिकली अगर सामने वाला चाहेगा तो मेरे को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब पुट में क्या होता है? नीचे जाने से डिफरेंस आता है अगर बाय किए हैं तो, और नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा अगर सेल किए हैं, ठीक है। तो और डिफरेंस क्या चीज का? स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट प्राइस का, ठीक है, ओके। अब जैसे हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड का, ठीक है, फॉरवर्ड का ध्यान से सुनते जाओ। तो फॉरवर्ड में हम लोग को वैल्यूएशन सीखना है। फॉरवर्ड आगे का दाम, फॉरवर्ड आगे का दाम, फॉरवर्ड को हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, एफ, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एस ई टू द पावर डेल्टा टी, कुछ भी नहीं करना। आज का जो दाम है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उससे आगे ले जाओ, एक महीना बाद का, छह महीना बाद का, साल भर बाद का, तो फॉरवर्ड का रेट आ जाएगा, वेरी सिंपल। अब हम लोग को एक टॉपिक डिस्कस करना पड़ेगा जिसका नाम है स्पॉट बाय वर्सेस फॉरवर्ड बाय। ध्यान से सुनो, जब हम लोग स्पॉट बाय करते हैं, तुम लोग उसने हमसे पूछ रहे थे ना सर फॉरवर्ड फ्यूचर का क्या फायदा है, जब हम लोग स्पॉट बाय करते हैं मेरे को पूरा पैसा देना पड़ता है। तुम मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तुम 10 लाख का रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदना चाहते हो, तुमको पूरा पैसा देना पड़ेगा नहीं तो तुम्हारा सौदा काट देगा, ठीक है। फॉरवर्ड बाय में क्या होता है? तुम एक अग्रीमेंट में एंटर किया है। तुम क्या अग्रीमेंट में एंटर किया है? कि आज से ठीक 6 महीना के बाद में हम आपसे रिलायंस इंडस्ट्रीज इतना दाम में खरीदेंगे। तो आज तुम्हारा पॉकेट से क्या गया? कुछ नहीं है, बात को समझना। तुम एक अग्रीमेंट में एंटर किया है कि आज से ठीक 6 महीना बाद में हम आपसे रिलायंस 2900 में खरीदेंगे। इट इज एन अग्रीमेंट टू बाय, दैट मींस व्हाट? योर एफ प्लस। 6 महीना बाद सोचो, तुम 10 लाख का रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदेगा, उससे तुमको 10 लाख देना पड़ेगा, तुमको उतना का रिलायंस इंडस्ट्रीज मिल जाएगा, भाव लेकिन आज ही फिक्स हो गया। तो फॉरवर्ड में क्या होता है? पैसा नहीं लगता है, फॉरवर्ड में पैसा नहीं लगता है। तो बेसिकली फॉरवर्ड में तुम क्या सेव कर रहे हो? इंटरेस्ट कॉस्ट। सोच के देखो ना, हम लोग क्या सोचेंगे? अगर मेरे को स्पॉट बाय करना है तो नहीं पापा से पैसा लेके करेंगे, हम मार्केट से उधार लेंगे। तो मार्केट से जो पैसा उधार लेंगे उसमें मेरा क्या लगेगा? ब्याज। तो बेसिकली स्पॉट बाय में क्या लगता है? ब्याज। लेकिन फॉरवर्ड बाय में वो चीज नहीं लगेगा, सिंपल है। स्पॉट बाय में क्या लगेगा? ब्याज, जो कि फॉरवर्ड बाय में नहीं लगेगा। सबको क्लियर है यहाँ पर? क्रांति, आकृति, सब लोग फर्स्ट क्लास देखा ना यहाँ पर? याश्री, इशिका, नीवा, ठीक है। तो ये पहला चीज हुआ। दूसरा, अब जैसे तुम मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का फॉरवर्ड में एंटर किया, ठीक है। तो तुम अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का फॉरवर्ड में एंटर करता है तो फॉरवर्ड में तुम एक अग्रीमेंट में एंटर किया है। आज उस शेयर का मालिक कौन है जिसे तुम खरीदेगा? अभी तो शेयर तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर हुआ नहीं है। लेकिन स्पॉट बाय में क्या होता है? तुम पैसा दिया, शेयर तुम्हारा, शेयर तुम्हारे से मतलब क्या है? शेयर से जितना भी सब डिविडेंड छोड़ेगा ना आने वाला 6 महीना में, वो भी तुम्हारा। तो सोच के देखो, स्पॉट बाय में डिविडेंड किसका? तुम्हारा।
लेकिन फॉरवर्ड बाय में तुमको डिविडेंड नहीं मिलता। तो बेसिकली फॉरवर्ड का ये एक नेगेटिव पॉइंट है। आने वाला छह महीना में हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा डिविडेंड दे रहा हो, तो वो स्पॉट बाय वाला लोग को मिलेगा लेकिन फॉरवर्ड बाय वाला तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा शेयर वाइज हुआ। अब सोचो कि तुम निकेल का धंधा करता है, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, एक्सेट्रा, स्टील हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तुमको एक कमोडिटी या फिर मेटल का धंधा करता है। तो अब जब तुम धंधा करता है तो तुमको प्रॉब्लम किस चीज का लग रहा होगा कि कहीं इसका दाम बढ़ना जाए। आज जैसे मान लो जो लेके जो बेचता है, जो लोग लेके बेचता है, वो लोग किस चीज का डर रहेगा कहीं इसका दाम बढ़ना जाए। तो तुम क्या बोला, हम आपसे स्वॉट एंड निकेल, हम आपसे जल्दी आ, हम आपसे तुम लोग कितना मजा आएगा इसे, तुम लोग फिजिकल क्लास का मतलब कुछ भी करेगा क्या? आज तक तुम लोग 8:30 तक ऐसे ही बजा रहे हो, ऑनलाइन वाला बच्चा लोग को देखो, वो लोग रात में लैपटॉप बगल में रखी सोता है, जैसे सुबह हुआ लैपटॉप ऑन कर लिया। हाँ सर, आपका दर्शन लेंगे सुबह, हाँ आपको सुबह सुबह पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे। तुम लोग देखो कितना अच्छा है, ये लोग लेट है, सब लोग आज हम मेरे को मत बोला कि आप क्लास लेट स्टार्ट किया, हम एकदम 7:50 पे आ गए थे सेंटर। सब कल परसों, हाँ परसों भी आ गए थे। अच्छा तो आज तो लेट है। तो अगर मान लो कि तुम आ जाओ वापस, तुम अगर मान लो निकेल कॉपर या फिर कोई भी ऐसी चीज का धंधा करता है जिसमें तुमको स्टोरेज चाहिए, स्टोरेज, ठीक है, अब मेटल के हिसाब से सोचो, या फिर कोई ऐसा चीज बीट हो गया, कॉटन हो गया, जिसमें तुमको स्टोरेज के लिए जगह चाहिए, तो अब तुम क्या बोलता है, बोलता है हम आपसे 100 टन निकेल 6 महीना बाद खरीदेंगे, चलो रेट आगे फिक्स कर लेते हैं, यही फॉरवर्ड हुआ। तो अगर मान लो 6 महीना बाद तुम उससे खरीदेगा तो तुम्हारा स्टोरेज कॉस्ट बचेगा, क्योंकि तुमको 6 महीना उस माल को स्टोर करना नहीं पड़ेगा, लेकिन स्पॉट बाय में तुम्हारा स्टोरेज कॉस्ट लग जाएगा। ठीक है, एक और चीज सोचो, कन्वीनियंस बोलते कोई चीज होता है, कन्वीनियंस तुम्हारे, जैसे तुम अगर मेरा ग्रोसरी स्टोर भी है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है ना, जब कस्टमर आता है तो जैसे एक होता है कि सामान मेरे पास में होता है, एक होता है सामान मेरे पास में नहीं होता है। तो अगर मेरे पास तुरंत सामान है तो हम उसको बोलते हैं हाँ मेरे पास में है, बट हम लोग का वहां पर मार्केट में वो है, कार्टेल है जिसको बोलते हैं, कि भाई सामान बहुत एक्सचेंज होता है, क्योंकि हम लोग को मान लो 10% मार्जिन मिलता है, हम लोग वहां से वो लोग भी हम लोग से खरीद लेते हैं। तो अब मान लो कस्टमर आया, हम उसको बोले कि रुकिए मंगवा देते हैं, तो ही और शी नोज कि अभी 15 मिनट मेरा चला जाएगा, तो जो माइट रिजेक्ट नहीं हम देख लेंगे, क्योंकि उनको भी तो पता है ना मार्केट में कौन कौन से दुकान है। आज आप कोई भी दुकान में जाएंगे, कितना सारा लोग सोच के देखो, तुम लोग को ये बात बोलता होगा, तुम लोग रियलाइज करो एक बार पीछे जाके, तुम लोग मान लो कंप्यूटर दुकान में गया, जैसे ये स्पीकर जिसमें पड़ा रहा हेडफोन हेडसेट, तो ये बहुत आसानी से नहीं मिलता है, तुम लोग के कोई ब्रांड प्रेफरेंस नहीं है, जैसे मान लो तुम लोग गया बोला हम लोग का हेडसेट चाहिए, तो हाँ उसके पास लॉजिटेक का होगा या फिर सेनाइजर का बहुत कम मिलता है, जबकि दाम मोटा मोटी सेम ही रहता है। तो वो लोग बोलेगा हाँ आपको मंगवा देंगे, शाम तक मिलेगा, तो हमने नहीं छोड़ी, हम ही दे देंगे। तो ये जो कन्वीनियंस है ना, ये स्पॉट बाय में होता है, फॉरवर्ड बाय में नहीं होता। आज अगर मान लो तुम ये बोलते हो 6 महीना बाद आपसे खरीदेंगे, तो यू माइट लूज ऑन सम ऑफ द बिग कॉन्ट्रैक्ट्स। सो बेसिकली दिस कन्वीनियंस इज इन स्पॉट बट इज एब्सेंट इन फॉरवर्ड। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी था कि स्पॉट बाय और फॉरवर्ड बाय में क्या फर्क है। आज तुम कोई भी चीज स्पॉट बाय करता है, तुमको पैसा चाहिए, पैसा तो मार्केट से उधार उठाएगा, तुमको ब्याज देना पड़ेगा, जो कि फॉरवर्ड बाय में तुमको नहीं देना पड़ेगा। तुम कोई शेयर अगर स्पॉट बाय कर लिया, शेयर का सारा डिविडेंड तुम्हारा, राइट्स इशू, जो भी सब कुछ तुम्हारा, जो कि फॉरवर्ड बाय में तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉरवर्ड बाय में तुमको शेयर कब मिलेगा, 1 महीना बाद, 6 महीना बाद, साल भर बाद, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम स्पॉट बाय कर लिया, तुमको स्टोरेज कॉस्ट चाहिए होगा निकेल कॉपर इस सब का, स्टील का, लेकिन फॉरवर्ड बाय में क्या होता है, फॉरवर्ड बाय में क्या होता है, तुमको स्टोरेज कॉस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि तुमको सामान 6 महीना बाद मिलेगा। हमने फिर डाइनिंग टेबल खरीदा, हम लोग बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं नहीं है मतलब थे, हम लोग जमीन में बैठ के खाया है रेस्टोरेंट में, मेरा मन था कि डाइनिंग टेबल पे खाएं, तो वो बोला सर हमारा एक लॉट आने वाला है, तो वो लोग क्या है ना उतना कंबर्सम नहीं करते। आज जो फर्नीचर वाले लोग जो लोग होते हैं, तुम लोग देखेगा उसका सामान आता है तुरंत दिख जाता है,
क्योंकि वो स्टोरेज उसको रखने का इतना बड़ा अपना शोरूम खोल रखा है इतना मेन मार्केट में, तो उसे रखने का जगह भी तो चाहिए। तो वो लोग लॉट की लॉट आता है, अब हम लोग मैसेज आना चालू हो जाता है, हम लोग ये लॉट आने वाला है, हम लोग ये लॉट आने वाला है। तुम लोग सोच के देखो, स्पॉट में तुम लोग को स्टोरेज कॉस्ट चाहिए, लेकिन फॉरवर्ड में तुम लोग को नहीं चाहिए वो चीज। एंड यू नो व्हाट, वो लोग क्या करते हैं, सैंपल का एक दो रखते हैं, बाकी पता डायरेक्टली घर पे चला जाता है। आज समझो एक एक डाइनिंग टेबल है, खाली हम थोड़ी खरीदने वाले हैं, उसको मान लो पांच जन खरीदेगा, तो वो वहीं पर रहेगा और बाकी तुम्हारा चला जाता है। अब बहुत बार क्या होता है, जब लौट आने में देरी होती है, लोग बोलते हैं सर यही वाला आपको दे देंगे, बोलिए आज ही उठा देना। तो अगर ये कन्वीनियंस वर्ड बहुत जरूरी है। कन्वीनियंस वर्ड का मतलब क्या होता है, आज जैसे मानो कि वो तुमको ऐसा बोला कि हमको डेढ़ महीना लगेगा, पर तुमको तो आज ही रात में डाइनिंग टेबल में खाना खाना, तो बोले नहीं छोड़िए हम देख लेंगे। तो ये कन्वीनियंस वर्ड बहुत जरूरी है। तो तुम्हें कैसा, आज जैसे चांदी का मार्केट है यहाँ पर, तुम इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा होता है, तो मार्केट घूमना तुमको समझ आएगा, बोले हाँ रुके मंगवा देते हाँ रुके मंगवा देते। तो बेसिकली देखा पूल, वो लोग 10 दुकान में जान पहचान है और सब लोग कमीशन खाते हैं। तो ये चीज कन्वीनियंस क्या होता है, स्पॉट में होता है पर फॉरवर्ड में नहीं है, ठीक है। तो ये था स्पॉट बाय वर्सेस फॉरवर्ड, फॉरवर्ड आगे का रेट। अब ध्यान सुनते जाओ सुनते जाओ, अब एक कुछ लिखो मैं ऐसा ऐसा कर दीजिए यहां पर से यहां पर और कहीं लिखने का दरकार नहीं पड़ेगा। सुनो, अब अगर मान लो हम लोग बात करते हैं 6 महीना फॉरवर्ड का, ठीक है, ये 0 है, ये 6 मंथ है, ठीक है। तो ये हो गया 2 महीना, ये हो गया 4 महीना। व्हाट इज द शेयर प्राइस, व्हाट इज द शेयर प्राइस, शेयर प्राइस होता क्या है, शेयर प्राइस आज जैसे मान लो हम दे रहे 250 रुपया, हम कंपनी को 250 रुपया दिए, मेरे को एक शेयर मिला, तो वो शेयर है क्या, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू of all the future benefits that I'm going to get from the company. The benefit can be in the form of dividends, the benefit can be in the form of a capital growth, ठीक है, rights issue, bonus, everything. So basically I mean that I am buying this share at 250 rupees and this share is going to give me returns for that. But the basically that is the present value of all the future dividends and the terminal value of the share. आज जैसे मान लो हमको शेयर को 5 साल होल्ड करना है, तो 5 साल में शेयर जितना भी डिविडेंड देगा और उसका 5 साल के बाद में जो शेयर का दाम होगा उन सबको टालेंगे तो मेरा प्राइस आएगा। अब हम एक रेट पे टालेंगे, वो डिपेंड करता है कि मेरे को कितना परसेंट रिटर्न चाहिए। जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उसमें रिटर्न बहुत ज्यादा आता है, बट उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो तुम देखिएगा जो 1 रुपए 2 रुपए वाला जो शेयर होता है उसमें क्या होता है, अपर सर्किट लोअर सर्किट, अपर सर्किट लोअर सर्किट, 5% का वो लोग का रेंज रहता है। तो वो जैसे यस बैंक है तो वो 10-15 रुपए का शेयर, तो अगर वो जाएगा तो 4-5% एक दिन में चला जाएगा, नहीं तो नीचे भी जा सकता है। बट अगर तुम ये सब चीज तुम बड़ा बड़ा कोटक महिंद्रा हो गया, रिलायंस हो गया, आईटी, सब में तुम देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को फॉरवर्ड का वैल्यूएशन करना है, 6 महीने का फॉरवर्ड है, अगर मान लो यहां पर शेयर का दाम यहां पर है मान लो 200 रुपया, यहां पर 10 रुपए का डिविडेंड देगा, यहां पर 10 रुपए का डिविडेंड देगा, 6 महीने का फॉरवर्ड है, 6 महीने का फॉरवर्ड है, ठीक है। तो 200 रुपया में ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, और आगे भी जो सब डिविडेंड देगा वो सब भी इंक्लूडेड है। बट ये सब डिविडेंड तो हमको तब मिलेगा ना जब हम स्पॉट बाय करेंगे, लेकिन अगर हम फॉरवर्ड बाय करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नहीं। तो हमको फॉरवर्ड का वैल्यूएशन करना है, तो जो जो चीज मेरे को मिलेगा वही सब हम रखेंगे। तो 200 रुपया में तुम्हारा फ्यूचर का सारा डिविडेंड है, बट दो ऐसे भी डिविडेंड है जो मेरे को नहीं मिलेंगे, तो उनका प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर दो। आज जैसे मान लो तुमको बोलेगा डेल्टा है तुम्हारा 5%, तो तुम क्या करेगा, 10 e to the power minus 0.05 into 2 by 12 plus 10 e to the power minus 0.05 into 4 by 12, ये क्या है बताना, इसको नाम दो, इस प्यार को क्या नाम दो, बताओ क्या नाम दो इसको, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम लॉस्ट ड्यू टू एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब शेयर प्राइस में तो सारा डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू है, शेयर प्राइस जो है मेरा 200 रुपए, उसमें तो सारा डिविडेंड्स का प्रेजेंट वैल्यू है,
माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करने के बाद क्या बचेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द डिविडेंड्स दैट आई एम गोइंग टू गेट। आराम से सोचो, आराम से सोचो, मैं क्या कर रहा हूं, 200 से इसको माइनस करूंगा। अब ये मेरा क्या है, ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर डिविडेंड्स दैट आई एम गोइंग टू गेट। ठीक है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड आगे लेके चले जाएंगे। फॉर्मूला पता क्या है, देखो आराम से सुनना, एक बेसिक फॉर्मूला क्या है, f is equal to s e to the power delta। तुम ही जाते हो उसको लर्न करो, इसमें लर्न करने का कुछ है नहीं। स्पॉट मतलब क्या, आज का नाम कोई डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं है, तो छह महीने आगे का नाम क्या होगा, उसको ब्याज चढ़ाएगा, कुछ नहीं देंगे। अब जैसे मान लो बोलते हैं नहीं सर बीच में डिविडेंड डिक्लेयर होगा, तो क्या करेंगे, डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू को माइनस कर देंगे। जो डिविडेंड मेरा फॉरवर्ड का वन टाइम में होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और फिर आगे ले जाएंगे। जैसे s minus i e to the power delta t, where i is what, present value of income lost due to f plus। समझा? हाँ, अब जैसे एक बार चीज समझना, अब जैसे एक बार चीज समझ लेना, अब बहुत बार क्या होता है, तुमको डिविडेंड्स कंटिन्यूअसली मिलेगा और वो कंटिन्यूअसली रीइन्वेस्ट होगा। तुमको डिविडेंड्स कंटिन्यूअसली मिल रहा है और वो कंटिन्यूअसली रीइन्वेस्ट हो रहा है इन बाइंग मोर एंड मोर शेयर्स, इन बाइंग मोर एंड मोर शेयर्स। ओके, वेट वेट वेट, लेट द कंटिन्यूअस रेट ऑफ डिविडेंड बी डी परसेंट, कैपिटल डी परसेंट। आपको समझना, जब मैं बोलता हूं पैसा का कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग हो रहा है, पैसा का कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग हो रहा है, तो पैसा का कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग मतलब क्या हो रहा है, डेल्टा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक साथ क्या हो जाएगा, ई टू द पावर डेल्टा कैसा हो जाएगा। अब यहां पर क्या बोला मैंने, कंटिन्यूअसली डिविडेंड्स मिल रहे हैं एंड वो कंटिन्यूअसली री इन्वेस्ट हो रहे हैं इन बाइंग शेयर्स, तो क्या बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा। आराम से सोच के देखो, अगर हम बोल रहे हैं डिविडेंड्स कंटिन्यूअसली मिले जा रहे हैं एंड कंटिन्यूअसली री इन्वेस्ट हो रहे हैं इन बाइंग शेयर्स, तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा। क्या रेट से बढ़ेगा, डी परसेंट रेट से बढ़ेगा। क्या आपको क्या रेट से बढ़ेगा, डी परसेंट रेट से बढ़ेगा। जैसे देखो ये जीरो है और ये टू है, यहां पर अगर मैंने एक शेयर बाई किया, डिविडेंड्स कंटिन्यूअसली मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर टू डी नंबर ऑफ शेयर्स। आराम से सोच के देखो, यहां पर क्या हो रहा है, डिविडेंड्स कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं एंड कंटिन्यूअसली क्या हो जा रहे हैं, री इन्वेस्ट इन बाइंग मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर शेयर्स। पांच साल का कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पर एक शेयर बाई किया है, ठीक है, तो टाइम फाइव पे क्या हो जाएगा, ई टू द पावर फाइव डी नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसको हम लोग डिविडेंड यील्ड भी बोलते हैं, डिविडेंड यील्ड भी वो लोग बोल सकता है, बढ़ेगा कंटिन्यूअस डिविडेंड यील्ड इज 5%, मतलब ई टू द पावर 0.05 इज द ग्रोथ इन द नंबर ऑफ शेयर्स पर ईयर। ठीक है, अब एक चीज समझना, ये जो चीज है ये किसमें होगा, स्पॉट में ना फॉरवर्ड में, स्पॉट में, क्योंकि हम क्या किए, शेयर बाई की, तभी तो डिविडेंड मिला, तभी तो री इन्वेस्ट कर पाए। लेकिन फॉरवर्ड में क्या होगा, अगर मान लो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहां पर भी वन और यहां पर भी वन। अब सुना, अब हम किसको किसको कंपेयर कर रहे हैं, किसको किसको कंपेयर कर रहे हैं, स्पॉट को और फॉरवर्ड को। ध्यान से देखो, इधर देखो, ध्यान से देखो, तो हम बोल रहे हैं जब सर 2 साल के बाद में मेरे पास फॉरवर्ड में एक शेयर रहेगा, तो हम स्पॉट को हम बोलना चाहते हैं कि यहां पर अगर मेरे को स्पॉट में एक शेयर चाहिए, तो यहां पर कितना शेयर खरीदे, वेरी गुड, e टू द पावर माइनस 2d नंबर ऑफ शेयर्स। क्यों, क्योंकि e टू द पावर माइनस 2d नंबर ऑफ शेयर्स में e टू द पावर 2d मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा, 1 आएगा। बहुत सिंपल है, मैं बोल रहा हूं मेरे को फॉरवर्ड और स्पॉट को कंपेयर करना है, मेरे को फॉरवर्ड और स्पॉट को कंपेयर करना है, तो फॉरवर्ड में तो एक ही शेयर रहेगा मैच्योरिटी में 2 साल बाद, तो स्पॉट में कितना शेयर आज खरीदे ताकि डिविडेंड्स कंटिन्यूअसली रीइन्वेस्ट होके शेयर्स खरीद के मेरे पास 2 साल के बाद में एक शेयर बचे, तो टाल लेंगे उसको, तो e टू द पावर माइनस 2d नंबर ऑफ शेयर्स। ग्रोथ क्या आएगा नंबर ऑफ शेयर्स में, e टू द पावर 2d, तो एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो मेरे को 1 शेयर बचेगा स्पॉट बाय। अब सुनते जाओ, अभी भी खत्म नहीं हुआ, सुनते जाओ।
तो बेसिकली स्पॉट में क्या हो रहा है, एंड माई ए टू दी पावर माइनस टू डी नंबर ऑफ शेयर्स। अब ये क्या है, फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड है तो दो साल आगे का काम निकालना है। कैसे निकालेंगे, ए टू दी पावर डेल्टा टू, सॉरी ए टू दी पावर टू डेल्टा। ये आगे लेके गए ना, बात सब नहीं, तो आगे का लेके जाना ही पड़ेगा। हम लोग ये जो किए हैं ये क्या किए हैं, ये क्या किए हैं, ये तो डिविडेंड्स का एडजस्टमेंट हुआ है, दो साल आगे में तो लेके जाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आएगा क्या, तो उसको बताना आएगा क्या, ए टू दी पावर टू डेल्टा माइनस डी, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा उसका नाम, ठीक है, और यहां पर एक आ जाएगा एस जो कि आज का नाम है। बेसिकली ये तो नंबर ऑफ शेयर हुआ ना, एक शेयर का नाम एस है आज, तो एस जीरो बेसिकली बोलते हैं, एस जीरो ए टू दी पावर माइनस टू डी ए टू दी पावर टू डेल्टा, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा फॉरवर्ड का नाम। तीन ही टाइप का चीज आ सकता है, एक आएगा नॉन डिविडेंड पेइंग नॉन इनकम पेइंग, एक आएगा फिक्स इनकम पेइंग जो कि फिक्स टाइम पीरियड्स पे होगा, जो सेकंड वाला केस था, और एक ये वाला कंटीन्यूअसली मिल रहा है और कंटीन्यूअसली री इन्वेस्ट हो रहा है, तीनों का हम लोग को फॉरवर्ड प्राइसिंग करना है, ठीक है, लिखो प्राइसिंग ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, प्राइसिंग ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले नॉन डिविडेंड पेइंग शेयर, नॉन डिविडेंड पेइंग शेयर, ठीक है, तो नॉन डिविडेंड पेइंग में एफ इज इक्वल टू एस ई टू दी पावर डेल्टा टी, एस जीरो कर देना, ठीक है, एस जीरो मतलब आज का शेयर का नाम। फिर आ जाएगा फिक्स्ड इनकम, ठीक है, तो फिक्स्ड इनकम में एफ मेरा क्या बन जाएगा, एस जीरो माइनस आई ए टू दी पावर डेल्टा टी, वेयर आई इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम लॉस्ट। ये सारा एफ जीरो है, ठीक है, एकदम गलती मत करना, एफ जीरो, F0 मतलब आज के हिसाब का फॉरवर्ड। एक सेकंड रुको, पेन छोड़ो, हम लास्ट क्लास से क्लाइंट बोले, तुम लोगों को याद है, जैसे जैसे अंडरलाइन चेंज होगा वैसे वैसे फॉरवर्ड का भी नाम चेंज होगा, तो F0 के हिसाब से F0 निकला, F1 के हिसाब से क्या निकलेगा, F1, ठीक है। तो अब यहां पर थर्ड केस लिखना, डिविडेंड्स रिसीव्ड कंटिन्यूअसली and reinvested in buying more shares, F0 is equal to S0 e to the power delta minus d t, where d is continuous dividend rate, delta मेरा क्या है, FOI, force of interest, क्या समझा, ठीक है,
अब जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल वन, तुम लोग को बोलता है एस जीरो है 40 रुपया, ठीक है, डेल्टा दिया हुआ है 5% और टाइम है तुम लोग का 3 महीना, तो कैलकुलेट एफ जीरो तुम लोग कैसे करेगा, 40 e to the power 0.05 × 3/12, दिस इज 5% पर एनम। सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है। अगर लोग इसी में एक नोट डाल देता है, डिविडेंड ऑफ ₹4 इज पेबल एट 2 months, तो अगर 2 महीना में डिविडेंड पेबल है, ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, पीवी ऑफ इनकम लॉस्ट, ये सुनो, तो क्या आ जाएगा 4e to the power -0.05 × 2/12, ठीक है, कितना पहले फॉरवर्ड का दाम कितना है बताओ, 40.503 14. अब ये निकालो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम लॉस्ट, निकालो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम, कॉस्ट नहीं है लॉस्ट है, कितना रहा बताइए, 3.968। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली दिस इज व्हाट आई राइट, तो एस जीरो माइनस 3.968 e to the power 0.05 × 3/12, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है।
वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर स्क्वायर ऑफ किए तो कितना रुपए का प्रॉफिट कितना रुपए का नुकसान। वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर स्क्वायर ऑफ किए तो कितना रुपए का प्रॉफिट और कितना रुपए का नुकसान। ठीक है, अब इसके लिए क्वेश्चन लिखो। हम लोग को F0 दे दिया, ठीक है, हम लोग को F0 दे दिया है, तीन हजार। ठीक है, हम लोगों को F0 दे दिया है 2680। मैंने ये जो फॉरवर्ड का जो ड्यूरेशन है 4 इयर्स है, ठीक है, आफ्टर 1.5 इयर्स एस 1.5 मतलब शेयर प्राइस आफ्टर 1.5 इयर्स इज 2800। कितना आ रहा है बताना, 3704.2। ग्राति कितना आ रहा है इसका आंसर, अनुश्री
नैम्बियर कितना आ रहा है इसका आंसर? 0.52. अब देखो जो चीज हम 3000 का खरीदे थे उसी चीज का दाम 1.5 साल बाद कितना हो गया है? 3004 हो गया है। बट ये प्रॉफिट मेरे को कब रियलाइज होगा? ये जो F0 है, ये जो F1.5 है, ये कहां का दाम है? 4 साल बाद का दाम है। मानी अगर हम 1.5 साल पे खड़े हैं तो 2.5 साल बाद का दाम है। तो पहले देखेंगे कि 2.5 साल बाद मेरे को कितना रियलाइज होगा। वैल्यू ऑफ लॉन्ग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे निकालेंगे? देखो F1.5 - F0 ये मेरा प्रॉफिट हो गया, और अगर ये नेगेटिव है मतलब मेरा नुकसान हो गया। तो ये प्रॉफिट या फिर नुकसान मेरे को कब होगा? 2.5 साल बाद ना। हम तो 1.5 साल पे खड़े हैं, तो क्या करेंगे? उसको पुल बैक करेंगे तो मेरा आज का नफा नुकसान आ जाएगा। तो एग्जाम्पल एफ माइनस की है, ठीक है, 4 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, F0 तुम लोग को दे दिया है 86.9, ठीक है,
तुम लोग को एस टू मंथ दे दिया है 90.10, तुम लोग को डेल्टा दे दिया है 4%, वैल्यू निकालना है। तो यहां पर क्या किया, शॉर्ट किया है, तुम बी एस निकाले। तो पहले तो दोनों फॉरवर्ड का दाम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम इसमें क्या क्या निकालेगा बताना, तुम इसमें निकालेगा के जीरो जो कि क्या होगा 86.9 e टू द पावर 0.04 इनटू 4/12, एक्सीलेंट। फिर तुम क्या निकालेगा, के टू मंथ्स निकालेगा, के टू मंथ्स तुम कैसे निकालेगा 90.10 e टू द पावर 0.04 इनटू 2/12, क्लियर। सॉल्व करो इसको और फिर तुम क्या करेगा, के जीरो माइनस के टू मंथ्स e to the power minus 0.04 into 2/2, ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा Vs। और अगर Vs तुम्हारा माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जो शॉर्ट किया है वो खोया है और जो लॉन्ग किया है वो पाया है। और ऑब्वियस बात है, देख के ही समझ में आ रहा है, क्यों बोलो तो, क्योंकि शेयर का दाम बढ़ गया, शेयर का दाम बढ़ गया इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड का भी दाम बढ़ गया होगा, ठीक है। तो जो बाय किया होगा उसको प्रॉफिट हुआ होगा, जो सेल किया होगा उसको नुकसान होगा। कितना रहा Vs, माइनस 2.61 8 8 लिखना, चलिए यहां तक कर लो, उसके बाद एक क्वेश्चन करो, फुल क्वेश्चन डिक्टेट करें। थ्री ईयर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज इशूड, अ थ्री ईयर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज इशूड, ठीक है। एस जीरो इज इक्वल टू 4.5, डिविडेंड ऑफ 0.2 पर शेयर, डिविडेंड ऑफ 0.2 पर शेयर हैज जस्ट बीन पेड, डिविडेंड ऑफ 0.2 पर शेयर हैज जस्ट बीन पेड। Dividends will be paid quarterly. And increase by 1% per quarter. For the first 2 years. The dividends will be paid quarterly and increased by 1% per quarter for the first 2 years. Then
then by 1.5% per quarter for the final year. Then by 1.5% per quarter for the final year. Then by 1.5% per quarter for the final year. ठीक है, हम लोग को डेल्टा दे दिया है 5% पर एनम. फॉरवर्ड प्राइस निकालना है, ठीक है, फॉरवर्ड प्राइस निकालना. चलो स्टार्ट करो, पहले शो करते हैं, ट्राई करो शो करते. आराम से इसको ट्राई करो, ठीक है.
हेलो, हुआ किसी का? देखो क्या बोल रहे हैं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये मेरा हो गया पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, इस तरीके से ये मेरा 8वां क्वार्टर हो गया, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां, 3 साल में 12 क्वार्टर होता है, मतलब डिविडेंड ऑफ 0.2 है जस्ट बीन पेड, तो मैं क्या करूं, मेरे को वो जो डिविडेंड पे हो चुका है उससे मतलब नहीं है, जो आने वाला डिविडेंड है मेरे को उससे मतलब है, तो चलो क्वार्टर वन में क्या होगा, 0.2 × 1.01, यस और नो? ठीक है, इस तरीके से जब हम लोग क्वार्टर एट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 × 1.01 to the power 8, और उसके बाद में जब हम लोग 9वां क्वार्टर में जाएंगे तो क्या आएगा, 0.2 × 1.01 to the power 8 × 1.015, और 12वां क्वार्टर में जब हम लोग जाएंगे तो क्या आएगा, 0.2 × 1.01 to the power 8 × 1.015 to the power 4. ठीक है, ये मेरा सारा कैश फ्लो हो गया, अब करना ही क्या है, जो मेरा प्राइस दिया हुआ है, कितना प्राइस दिया हुआ है, 4.5, इन सब का प्रेजेंट वैल्यू को से माइनस करके आगे लेके जाना, हम लोगों को क्या दे दिया है, डेल्टा दिया है, तो डेल्टा से सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, I4/4, क्योंकि हम लोगों को क्वार्टर्स में काम करना पड़ेगा, तो e to the power 0.05 = 1 + I4/4 whole to the power 4, अब इसको ऐसे सॉल्व करके पहले यहां से I4/4 निकालो, व्हिच इज द क्वार्टरली इफेक्टिव रेट, चलो सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा, क्वार्टरली इफेक्टिव रेट निकालो और हो जाएगा तुम लोग, और क्या सीधा करे तो मतलब 4 से कर, 4 से कर, 4 से तो नहीं होगा, मतलब जीबी बना के कर सकता है, तेरी इसको दो पार्ट में करना पड़ेगा, एक पार्ट में नहीं होगा, पहला आठ और फिर दूसरा 4, तो उससे भी हो जाएगा, अल्टीमेटली तुम लोग अगर देखोगे तो तुम लोग जो आई जो आ रहा है, इनकम वाला जो आ रहा है, दोनों इनकम को प्लस करने के बाद तुम लोग कितना आ रहा है, इतना किए हो तुम लोग, आई आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.37 09 03 समथिंग आएगा, ठीक है, अब ये आ गया, उसके बाद में हम लोग को करना है शेयर प्राइस, ए जीरो निकालना है ना, तो शेयर प्राइस माइनस 2.3703 e to the power 0.05 × 3, इस तरीके से तुम लोग को सबको बनाना पड़ेगा, ये आंसर किस का है, हैंड रेज करो, ये वाला आंसर किस का है, हैंड रेज करो, खाली एसटी का है, बाकी लोगों को करो, ये सब पहले लाइव क्लास में सुना ये लोगों, एक चीज लिखना, वैल्यू ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज 0 टू स्टार्ट विथ, मतलब अरे बात समझो, फॉरवर्ड का जो प्राइस होता है वो चेंज कैसे कैसे होगा, जैसे शेयर प्राइस चेंज होगा, पर टाइम 0 पे तो शेयर प्राइस उतना ही रहेगा ना जितना टाइम 0 पे था, तो अगर टाइम 0 पे ही लेके काटेंगे तो ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई नुकसान होगा, बेसिकली वैल्यू का मतलब क्या है, अगर मैं स्क्वायर ऑफ करूं तो मेरे को कितना
वैल्यू का मतलब क्या है, तुम टाइम जोन में लिया और तुम टाइम जोन में सॉल्व कर रहे हो, अजमीन की शेयर प्राइस चेंज ही नहीं हुआ, टाइम पीरियड चेंज ही नहीं हुआ, तो तुम्हारा फॉरवर्ड प्राइस क्यों चेंज होगा? फॉरवर्ड प्राइस का मतलब जो है तुम्हारा टाइम पीरियड चेंज हो या तुम्हारा शेयर प्राइस चेंज हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज जीरो टू स्टार्ट, ठीक है। अब जैसे लिखिए वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज जीरो टू स्टार्ट। अब जैसे दो टाइप का ऑप्शन होता है, एक होता है यूरोपियन, एक होता है अमेरिकन। इधर सुनो, यूरोपियन का मतलब क्या होता है, खाली एक्सपायरी पे उसको एक्सेस कर सकते हैं। अमेरिकन का मतलब क्या होता है, एक्सपायरी तक कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। यूरोपियन का मतलब क्या होता है, खाली एक्सपायरी पे ही उसको एक्सेस कर पाएंगे। अमेरिकन का मतलब क्या होता है, एक्सपायरी या फिर उससे पहले भी एक्सेस कर सकते हैं, मेरा मतलब एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर लिख देना ओनली एक्सपायरी ऑन और बिफोर एक्सपायरी, इसके बाद एक क्वेश्चन लिखना, अ ट्रेडर परचेस्ड 3 month पुट ऑप्शन, अ ट्रेडर परचेस्ड 3 month पुट ऑप्शन ऑन रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक, अ ट्रेडर परचेस्ड 3 month पुट ऑप्शन ऑन रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 2500। अ ट्रेडर परचेस्ड 3 month पुट ऑप्शन ऑन स्टॉक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 2500, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज 320, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज 320। अ ट्रेडर परचेस्ड 3 month पुट ऑप्शन ऑन स्टॉक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एट स्ट्राइक प्राइस ऑफ 2500, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज 320, ठीक है। अब इसके बाद में टेबल बनाना, टेबल बनाना स्टॉक प्राइस आफ्टर 3 month, और यहां पर आ जाएगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी 2000 2200 2500 2700 3000 0.1 0.3 0.2 0.3 0.1, ठीक है। अब ध्यान से इधर देखना, तो प्रोबेबिलिटी दे दिया, ऑब्वियस सब आता है, कोई भी शेयर प्राइस सर्टेनिटी के से तो आएगा नहीं, तो अब जो मेरा निकलेगा ना वो मेरा निकलेगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकलेगा, यानी जो प्रॉफिट के जो लेवल्स है उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा प्रोबेबिलिटी के साथ में तो मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकलेगा। तो हम लोग को बनाना है 5 कॉलम, 5 कॉलम बनाओ, ठीक है। तो 5 कॉलम कैसा कैसा बनेगा, सबसे पहला बनेगा एस 3 months, फिर बनेगा हम लोग का पे ऑफ, फिर बनेगा हम लोग का प्रॉफिट, फिर बनेगा हम लोग का प्रोबेबिलिटी, और फिर बनेगा हम लोग का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एस 3 सबसे पहले लिख दो 2000 2200 2500 2700 3000, ठीक है। अब पे ऑफ का बात करो, पुट खरीदा है ना, बाय पुट ऑप्शन, तो नीचे जाने से डिफरेंस आएगा, तो यहां पर कितना आएगा 500
यहां पर 300, यहां पर 0, 0 और 0 प्रॉफिट। अब मैं प्रीमियम दिया हूं 320, ठीक है। तो 180 यहां पर 20 का नुकसान, यहां पर 320 का नुकसान, यहां पर भी 320 का नुकसान और यहां पर भी 320 का नुकसान। अब प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो 0.1, 0.3, 0.2, 0.3, 0.1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर करके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल के बताओ कितना आ रहा है। पुराना वाला क्लास मत देखना, ठीक है। जो मेरे को बोलना होगा कि आप लोगों को ये चीज देखना है, तुम लोगों को सामने से बोल देंगे कि ये सारा चीज देख लो। पूरा तो देखो लाइव नहीं करा पाएंगे, बट मेरा एकदम इमीडिएट क्लासेस बहुत अच्छे से रिकॉर्डेड है, जैसे रन ऑफ हो गया। बट ये सब हम क्या करेंगे, सेप्टेम्बर वाले में हम डाल देंगे। अभी जैसे सेप्टेम्बर वाला जब तुम लोग कंटेंट ब्राउजर बोलता होगा, तुम लोग खाली एक ही क्लास दिखेगा कब वाला। अगर आज शाम तक खुलेगा तो तुम लोग को आज वाला क्लास दिखाई देगा। तो बेसिकली तुम लोग को सेप्टेम्बर वाला ही फॉलो करना है। एंड अप्रैल वाला मैंने इसीलिए दिया, अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसका एग्जाम मान लो जुलाई में है या फिर उनका कोई कमिटमेंट्स है, अभी वो फ्री है, तो वो सब के लिए। बट हम भी अच्छा ही पेस में कराएंगे, ठीक है। तो मैंने हफ्ता भर में तुम लोग काफी चीज होगा करने को। अब जैसे आज एक्सेल बेसिक्स चल जाएगा, तुम लोग एक्सेल बेसिक्स भी कर लेना। तो इस तरीके से मतलब करके चलेंगे तो देखोगे अच्छा ही पेस में चल रहे, ठीक है। मोटा मोटी 9 बुकलेट है, तो एक हफ्ता का एक बुकलेट जून एंड तक, जुलाई फर्स्ट वीक तक पूरा ट्राई करेंगे कराने, ठीक है। तो उसी तरीके से करेंगे अपनी तरफ। हाँ, नया वाला है सितंबर वाला, और कुछ पुराना वाला मत देखो, ठीक है। कितना आ रहा है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट? -180, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो हम तुम लोगों को किताब का भाषा में बताते हैं, जो कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, तो कॉल ऑप्शन का क्या होता है, मैक्स ऑफ एसटी माइनस के कॉमा जीरो, समझा। माने एसटी माइनस के अगर नेगेटिव होगा तो लैप्स हो जाएगा, और एसटी माइनस के अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सरसाइज हो जाएगा। तो एसटी क्या है, शेयर प्राइस एट मैच्योरिटी, एंड के क्या है, एक्सरसाइज प्राइस, स्ट्राइक प्राइस। वहीं पर अगर हम लोग पुट का देखें तो पुट में क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ व्हाट, वेरी गुड, के माइनस एसटी कॉमा जीरो, ठीक है। कॉपी कर लो इसको, सी माइनस क्या होता है,
ऊपर जाने से डिफरेंस जाएगा और t माइनस क्या होता है, नीचे जाने से डिफरेंस जाएगा, तो नीचे क्या है ना, तो p माइनस को नुकसान होगा और हम वही था, ठीक है। तो एक और होगा, सी प्लस भी होगा, बट ये हम धीरे धीरे समझेंगे सी प्लस वाले को भी कैसे नुकसान होगा। देखो इसमें क्या होता है ना, सारा ऑप्शन प्रीमियम का खेला होता है। आज जैसे ये जो हम लोग बुकिश टोन में पढ़ रहे हैं कि एक्सरसाइज होता है, ये सब एक्सरसाइज नहीं होता है, बेसिकली सब फटका होता है। एक्सरसाइज कोई नहीं करता है, सब स्क्वायर ऑफ करता है। स्क्वायर ऑफ मतलब मैच्योरिटी आने के पहले उसमें जो नफा नुकसान है उसको काट लेता है। तो बेसिकली समझना, कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है, सोचो एक बार, सोचो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कब बढ़ेगा, कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कब बढ़ेगा, जब शेयर प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा। और पुट ऑप्शन का प्रीमियम कब बढ़ेगा, जब नीचे जाएगा। तो शेयर प्राइस नीचे जब जाता है ना, तो पुट ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है, कॉल ऑप्शन का प्रीमियम गिरता है, तो इसमें भी नुकसान होगा, ठीक है। और शेयर प्राइस जब ऊपर जाएगा तो जो कॉल बेच के रखा होगा तो उसका तो पॉइंट खुलेगा ही खुलेगा, और जो पुट खरीदा होगा उसका भी प्रीमियम गिर गया होगा, ठीक है। ये चीज हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि पी प्लस और सी प्लस कैसे काम करते हैं। अब जैसे मान लो मेरे को लगता है कि मार्केट का देयर इज ह्यूज वोलेटिलिटी, बट हमको डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है। जैसे समझो मेरे को लगता है LIC का IPO आने वाला है वगैरह वगैरह, अभी इंडिया में इतना सारा पैसा आ रहा है तो मार्केट बहुत जोर से बढ़ने वाला है, ठीक है। एक तरफ मेरे को लगता है इंडिया की सिचुएशन इतना खराब है, लोग बैंक में लोन ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं, अभी इंटरेस्ट रेट भी कम है तो बैंक का क्या ही इनकम हो रहा होगा, हमको लगता है बहुत जोर से नीचे जाने वाला है। तो मेरे तो दो तरफ हो रखा हूं मैं, बट मेरे को ये लगता है जो भी मूवमेंट आएगा, जो तो मूवमेंट आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एक सी प्लस और एक पी प्लस, बेसिकली बहुत जोर का मूवमेंट, इतना जोर का मूवमेंट कि ये दोनों का प्रीमियम देने के बाद में भी मेरे को प्रॉफिट बचे, समझा। कोई भी एक डायरेक्शन में बहुत जोर का मूवमेंट आ जाए, ठीक है। आज जैसे मान लो तुम दोनों का फॉर एग्जाम्पल 250 प्रीमियम दिया, तो टोटल में तुम 500 रुपए प्रीमियम दिया, ठीक है। अब मान लो शेयर प्राइस जो है वो 2000-3000 पॉइंट मूव कर गया, जो इंडेक्स का जो प्राइस है, तो तुमको तो प्रॉफिट ही है नेट नेट, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रैडल। नाम ऐसा करने की दरकार नहीं है, हम लोग एक सेम स्ट्राइक प्राइस का जब एक कॉल और एक पुट बाय करते हैं, मतलब क्या है, हमको वोलेटिलिटी पसंद आ रहा है, हमको लग रहा है कि बहुत जोर वोलेटिलिटी आने वाला है। देखो कैसे क्वेश्चन लिखो, इस पे a trader expecting high volatility buys a call option and a put option. A trader expecting high volatility buys a call option and a put option. Strike price मेरे को दे दिया है 6500, C0 का प्रीमियम मेरे को दे दिया है 145, P0 का मेरे को प्रीमियम दे दिया है 170, ठीक है। अब लिखना कैलकुलेट पे ऑफ एंड प्रॉफिट व्हेन शेयर प्राइस, कैलकुलेट पे ऑफ एंड प्रॉफिट व्हेन शेयर प्राइस ऑन मैच्योरिटी आर, कैलकुलेट पे ऑफ एंड प्रॉफिट व्हेन शेयर प्राइस एट मैच्योरिटी आर। अब देखो ST यहां पर मैंने दे दिया, ठीक है, क्या क्या दिया है, 5700, 6100, 6500 और एक 7500। CM2 का मैंने ज्यादा करके स्लॉट रखा है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि हफ्ता में एक स्लॉट में हटा दूं, बट मेरा जो जो फ्री टाइम था मैंने सारा CM2 को दे दिया, सुबह शाम को, ठीक है, तो उस तरीके से। कल मैं शाम को नहीं लिया क्लास, तो मैं बता देता हूँ, बट क्लास होगा तो वही सब स्लॉट में होगा। ST है, इसके बाद में पे ऑफ फ्रॉम पी प्लस, पे ऑफ फ्रॉम सी प्लस, उसके बाद में तुम्हारा P0 प्लस C0 दोनों का प्रीमियम, और यहां पर तुम्हारा आ जाएगा प्रॉफिट। अब ध्यान से सुनना, इधर देखो मेरे तरफ देखो, स्ट्राइक प्राइस क्या है दोनों का ही,
6500 ठीक है, एक साथ दोनों नहीं करेंगे, पहले पुट का कर लेंगे फिर कॉल का कर लेंगे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ठीक है। तो ध्यान सुनो 6500 है तो पुट एक्सरसाइज कब होगा 6500 के नीचे, पुट लैप्स कब होगा 6500 के ऊपर, 6500 पे भी लैप्स ठीक है। तो कितना दाम है, दो दाम है जिसमें 6500 के नीचे है, नीचे जाने से डिफरेंस आएगा ना जाएगा, आएगा क्योंकि बाई किया है ठीक है। तो कितना आएगा इसमें 800, इसमें कितना आएगा 400, इसमें 0 इसमें 0। अब कॉल का बात कर लो, कॉल में क्या होता है ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा 6500 के नीचे कॉल ऑप्शन लैप्स, तो 0 0 0 1000 ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर में मेरी तरफ देखो, प्रीमियम दोनों का मिला के प्रीमियम कितना पे किया देखो तो 170 और 145, तो दोनों का मिला के कितना होता 315, तो 315 मेरा दोनों मिला के प्रीमियम लगा 315 315 315 315 ठीक है। तो अब प्रॉफिट निकाल लो कितना आ रहा है, देखो इसमें आएगा 485, इसमें आएगा तुम्हारा 85, इसमें आएगा 315 और इसमें आएगा तुम्हारा 685। अब बात को समझा हम क्या बोलना चाह रहे थे उस समय, इसका टोटल नंबर कर देना प्रॉफिट का नंबर कर लो, जब प्रॉफिट इनटू प्रोबेबिलिटी बोलेगा तब एक्सपेक्टेड कुछ होता है, ऐसे में टोटल निकाल देना क्या चाहिए टोटल ही वो टोटल ही नहीं सर, लास्ट में फाइनल आंसर लिख के आना पड़ता है ना, तो टोटल नंबर क्या जाना इसका पूरा काट देगा। तो अभी देखो मैंने ट्रेडर और एक्सपेक्टिंग न्यूज बोला ट्रेडर, तो दोनों का प्रीमियम देने के बाद में भी देखो उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसको नुकसान कौन सा केस में हो रहा है जब शेयर प्राइस थम जाएगा, जब शेयर प्राइस थम जाएगा एंड दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द ऑप्शन सेलर्स, जो ऑप्शन सेल करता है ना उसको लगता है शेयर प्राइस एकदम बेसिकली मूव ना करे ठीक है। ठीक है तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम लोग ठीक है। नेक्स्ट क्लास शेड्यूल के हिसाब से कब है, कल है ना, सारा लाइव क्लास प्रॉपरली एकदम अटेंड करो, हफ्ता भर में एक एक बुकलेट करके करेंगे जितना एकदम अच्छा से हो जाएगा ठीक है। पर आज हम क्या करेंगे रन ऑफ का वीडियो डाल देंगे, तो रन ऑफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है, तो रन ऑफ तुम लोग वीडियो से एकदम पूरा आराम से कर सकते हैं ठीक है। रूइंग थ्योरी हम लाइव पढ़ा देंगे, अच्छे से कराया है बट स्टिल थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो हम लाइव पढ़ाएंगे ठीक है। रन ऑफ लेकिन तुम लोग देख के उसका पूरा बुकलेट बना के रखो, उसमें क्लास लेंगे संडे को, तो क्या होगा उसका डाउट्स वगैरह पूरा एकदम अच्छा से करा सकते, दो ही क्लास हो सकते ज्यादा नहीं ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।